मैं करता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेना। जी, और मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखा हूँ। जी, यजुर्वेद अध्याय 33, सूक्त प्रथम, मंत्र संख्या 3। ओम यजानो मित्रा वरुणा यजा देवान्वितं बृहत् अग्नेयक्षी स्वं दमम्। मंत्रार्थ: अग्ने हे प्रगतिशील अग्रणी, नो हमारे मित्ता मित्रा वरुणा मित्र और वर्णीय यजा दान संगति करें। बृहत बड़े ऋतम ऋत को देवान देवों को यजा दान संगति करें। स्वं अपने दमम दया दमन शमन को यक्षी पूजिए। भावार्थ: अग्नि स्वरूप अग्नि परमात्मा से यजन की प्रार्थना की गई है। यजन का अर्थ देव पूजा संगतिकरण दान करना होता है। यज धातु का मुख्य अर्थ देव पूजा माना जाता है। पूजा का अर्थ सत्कार करना सेवा सहायता करना ही है। इसी मंत्र में समानार्थी के रूप में पूजा के अर्थ में यक्षी पद भी आया है। यक्ष धातु का अर्थ पूजा करना होता है। निरुक्त: अग्ने अग धातु गति करना अग्रणी होना, मित्रा वरुणा मित धातु करना, व्रय का अर्थ वरण करना आच्छादन करना, यजा में यज धातु देव पूजा संगतिकरण दान करना, बृहत में बृह धातु बढ़ना, ऋतम में रि धातु जाना, ऋत का अर्थ चलना संचालित करना, देवान में दिव धातु प्रकाशमान स्तुति प्रीति करना, दमम में दम धातु दमन करना दया करना शमन करना, यक्षी में यक्ष पूजा करना सत्कार करना। ओम खं ब्रह्म। ॐ खं यजुर्वेद अध्याय 33, मंत्र 3 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ॐ यजानो मित्रा वरुणा यजा देवान् ऋतं बृहत् अग्ने यक्षि स्वं दमम्। गायत्री छंद है, कह सकते हैं ये भी एक गायत्री मंत्र है। सहस्रो गायत्री मंत्र है वेद में। सबसे छोटा सबसे महत्वपूर्ण गायत्री छंद वेद में है और वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में है। कह सकते हैं वेद का मुख्य छंद गायत्री है। इस प्रकार से वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री मंत्र देखते हैं। इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यजा अर्थात यजन करें, यजा क्रिया है अर्थात यजन करो, यजन करें। नो हमारे मित्रा वरुणा मित्र और वर्णी, जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे लिए वर्णी है वर्ण करने योग्य हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं गुणवान हैं उन्हीं का तो हम वर्ण करेंगे। तो वरुण का अर्थ शाब्दिक अर्थ हुआ वर्णी और बौद्ध आप देखेंगे कि भावार्थ में लोग सामान्यता इसका अर्थ श्रेष्ठ आदि लिख देते। तो उसका भाव यही है कि जो वर्णी है वर्णी वही होगा जो श्रेष्ठ होगा उसी का हम वर्ण करेंगे वही वर्ण करने योग्य है। तो शाब्दिक अर्थ तो वर्ण करने योग्य ही है। भावार्थ यदि श्रेष्ठ कह दिया जाता है तो ठीक है, परंतु हमें ये जानना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ वर्णीय है वर्ण करने योग्य है और वर्ण करने योग्य हम उसी को मानेंगे जो श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसका भावार्थ श्रेष्ठ किया जा रहा है। यह स्पष्ट करना चाहिए मंत्र का अर्थ करने वालों को। यही हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो प्राचीन भाष्यकार हैं वे उनके सहयोगी सहायक या जिनको वो संबोधित करते थे जिनके समक्ष वो प्रवचन करते थे वे सब संस्कृत भाषा से इतने परिचित तो होते ही थे कि उनको ये नहीं बताना पड़ता था कि वर्ण शब्द वृ धातु से बना है इसका अर्थ है वर्ण करना। तो वर्ण शब्द का अर्थ हुआ वर्णी या वर्ण करने योग्य, इतना तो
से समझते ही थे, इसलिए यदि उन्होंने सहज भाव में उसका भावार्थ श्रेष्ठ लिख दिया है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कहें कि नहीं नहीं उन्होंने तो ठीक नहीं लिखा, ये तो असत लिख दिया। नहीं, उनकी स्थिति को देखते हुए वो समझ रहे थे कि इसका शाब्दिक अर्थ तो लोग समझ ही रहे हैं, तो उन्होंने उसका भावार्थ जो संदेश देना चाहा कह दिया। प्राचीन भाष्यों के साथ आज यही समस्या है, उसको समझने में हमें समस्या हो रही है क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा नहीं रह गई है। वे जिनसे बात करते थे, जिनको संबोधित करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले लोग होते थे, संस्कृत उनकी सहज स्वाभाविक भाषा थी, तो ये सामान्य बातें वो समझते थे। इसलिए ये दायित्व अब हम पर आ गया है कि हम प्रत्येक शब्द का भाव स्पष्ट करते हुए शाब्दिक अर्थ कर दें, जिससे जो उतने संस्कृत नहीं जानते हैं वे उसका शाब्दिक अर्थ समझ सकें। फिर देखें जिन भाष्यकारों ने इसका यदि कोई इस तरह का भावार्थ सीधे लिख दिया है बिना धातु बताए हुए, तो फिर आप उसे समझ सकेंगे कि हाँ इन्होंने इस दृश्य से ऐसा लिखा होगा जो ठीक होगा। और स्वाभाविक है ऐसा भावार्थ करने में विद्वानों में कहीं कहीं कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, किसी दूसरे रूप में उन्होंने लिखा, किसी दूसरे रूप में उन्होंने समझा अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो उसमें किसी को सत्य या सत्य, किसी को कहे कि ये ठीक है ये नहीं है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये माने वो सभी महान विद्वान थे और उन्होंने अपने समय में अच्छा कार्य किया है जिससे वेद का अर्थ वेद हम तक पहुंच पाया, हम उन सबके आभारी हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमको ठीक नहीं लगती हैं, उसके लिए उनके देशकाल परिस्थिति को उत्तरदायी माना जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए वो जिस समय जिस समाज में रह रहे थे उस समय के अनुसार उनको कार्य करना पड़ा। हम आज इस स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं तो हम उस दृश्य से निष्पक्ष बात अपनी कह पा रहे हैं। अब उसमें राजाओं का आश्रय और अनेक प्रकार के सामाजिक दबाव, वो सब समस्याएं भी थी उन लोगों के सामने, तो इसका हम ध्यान रखें, थोड़ा सा निवेदन किया इस विषय में। मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण, मित्रा वरुणा द्विवचन में है, ये वैदिक भाषा में द्विवचन है, संस्कृत में मित्रा वरुण होता, उसमें वरुण होना चाहिए, औ स्वर होना चाहिए, इसमें मित्रा वरुणा है, यह वैदिक भाषा में होता है, संस्कृत में नहीं होता, जो हम आपको निरंतर बता रहे हैं कि वैदिक भाषा मूल प्राचीन भाषा है और संस्कृत भाषा उसी से अभ्रंश होकर बनी है। प्रथम अभ्रंश आप संस्कृत को कह सकते हैं, उसके पश्चात पाली, प्राकृत, फारसी आदि उसी वैदिक भाषा के अभ्रंश हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो यजा नो मित्रा वरुणा, नो हमारे या हमारे लिए भी इसका अर्थ होता है, कह सकते हैं हमारे लिए मित्र और वरुण यजन करें, यजन करने का अर्थ हम लोग जानते हैं देव पूजा संगति दान करना, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे वरुणी हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, आज की भाषा में कह लें जो वरुण कहा जा रहा है, वरेणियम कहा जा रहा है, उस वरुण और वरेणियम को आज के शब्दावली में आप चाहें तो हमारे लिए आदरणीय ऐसा भी कह सकते हैं, उन्हें के लिए वो शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये भी उसका एक भावार्थ हुआ, शब्दार्थ नहीं हुआ। शब्दार्थ तो हो गया वर्णी, वर्ण करने योग्य, अब जैसे किसी ने लिख दिया श्रेष्ठ, या अभी हमने आपको बताया कि जैसे इस समय हम लोग कहते हैं आदरणीय, तो आदरणीय कौन होगा, जिसको हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उन्हीं को तो हम आदरणीय कहेंगे। तो वही जैसे वेद में शब्द प्रयुक्त हुआ वरुण या वरेणियम, उसका अर्थ हुआ वरणी, ये वर्ण करने योग्य, वैसे ही आदरणीय, आदर करने योग्य, तो भाव तो एक ही हो गया, तो उस अर्थ में हमें देखना चाहिए। तो जो हमारे मित्र हैं, वरणीय हैं, वे हमारे लिए यजन करें, देव पूजन संगति और दान करें, वे समर्थ है तभी वरणीय हैं, वे हमारे मित्र हैं तो स्वाभाविक है हमारे अपने हैं, हमारे सुखचिंतक हैं, हितचिंतक हैं, तभी वो हमारे मित्र हैं, तो वे हमारे लिए देव पूजन करें, जो प्रकृति का संरक्षण करना है उसके लिए सहयोग करें, कार्य करें, जो समाज के विद्वान तेजस्वी देवजन हैं उनका सेवा सत्कार सहयोग करें, अच्छे कार्य के लिए लोगों को संगठित करें,
और जो कुछ उनके पास है हमारे पास है, हम अच्छे कार्य के लिए उसका दान करें, ये यजन हुआ, तो हम लोग इस प्रकार का यजन करें, हमारे मित्र हमारे वर्णी आदरणी लोग इस प्रकार से हमारे लिए यजन करें, और यजा देवान यजन करें, देवान देवों को ऋतम बृहत, देवों को यजन करें। यजन किसको करें? देवों को करें, दुष्टों को नहीं। यद्यपि यजन शब्द में सामान्यता जो यज धातु है उसमें देव पूजा ही कहा जा रहा है, तो स्पष्ट है पूजा तो हम देव की ही करेंगे, किसी अदेव की दुष्ट की पूजा तो नहीं करेंगे। फिर भी यहां कह दिया गया देवान देवों का यजन करें, क्योंकि इसमें यजन में संगठन का भाव भी है और दान करने का भाव भी है, तो संगठन तो अपराधियों का भी होता है, ये डाकुओं के गिरोह हैं, आप देखते हैं अनेक संगठित अपराध होते हैं, अपराधियों के संगठन होते हैं, तो उस संगठन को तो हम यजन में नहीं मान सकते, जो दुष्टों के अपराधियों के संगठन है वो यजन में यज धातु के संगठन में हम नहीं ग्रहण करते। दान करना, लोग बहुत से अंधविश्वासों में फंसा करके आपको अनेक प्रकार से भयभीत करके कथित रूप से दान ले जाते हैं, उसे तो एक प्रकार से ठगी ही कह सकते हैं, आपका राहु शनि इधर बकरी हो रहा है, आपका यह हित हो जाएगा, तो भैया हमको इतना दान करो, हम इसका इस तरह का पूजन उपचार करा देंगे, तो आप उस हानि से बच जाएंगे। अब आपको भयभीत कर करके उन्होंने इतना आपसे धन ऐंठ लिया, इसे हम ठगी कहते हैं, लेकिन वो उसे दान कहकर ले जाते हैं। तो इसलिए कहा गया देवान यजा देवान, देवों का ही यजन करें, जो भी आपको संगत करना है संगठन करना है देवों का करें, जो दान करना है वो देवों का करें, जो पूजा सत्कार सम्मान करना है वो देवों का करें, इन दुष्टों का ठगों का पाखंडियों का अंधविश्वासियों का ना करें, जो समाज में पाखंड अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले इन ठग बाबाओं का यजन ना करें, उनका संगठन दान ना करें, उनका कोई पूजन सेवा सत्कार ना करें, ये स्पष्ट है ये कहने में कि यजा देवान देवों का ही यजन करें, इन दुष्टों का ठगों का पाखंडियों का नहीं। ऋतम बृहत, और यजन किसका करना है? ऋत का करना है। ऋत हम लोग समझ चुके हैं, जो प्रकृति के संचालन के मूलभूत नियम है वे ऋत है, ये ऋत की व्यवस्था बनी रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसके लिए हम यजन करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रकृति में प्रदूषण बढ़े, प्रकृति का संतुलन बिगड़े, तो ऋत की व्यवस्था बनी रहे। ऋत तो वास्तव में प्रकृति संचालन के मूलभूत नियमों को ही कहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में ऋषियों ने ऋत उसे भी मान लिया है, व्यवहारिक रूप से वो अकाट नहीं है, अपरिवर्तनीय नहीं है, विशेष परिस्थिति में आप उसमें छूट ले सकते हैं, कह सकते हैं वेद के अनुकूल जो समाज के संचालन की व्यवस्था बनाई गई उसे भी व्यवहारिक रूप से रित कह दिया जाता, तो समाज के संचालन की जो व्यवस्था पूर्णता वेद के अनुकूल हो, जो वेद के विद्वान निस्वार्थ ऋषियों के द्वारा बनाई गई और संचालित की गई हो, उसे भी सम्मान से रित कह दिया जाता है, क्योंकि वह भी मनुष्य समाज के लिए तो रित ही है, उसका पालन करेंगे तो मनुष्य समाज ठीक से चलेगा। परंतु इसमें यहां ये स्पष्ट है कि प्रकृति के संचालन के जो नियम हैं वो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा संचालित हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, और ये नियम जितने भी अच्छे हैं मनुष्य ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, तो मनुष्य उसका उल्लंघन कर सकता है, मनुष्य उसका उल्लंघन न करे उसको रोकने के लिए भी हम कुछ व्यवस्थाएं बना सकते हैं, भाई लोगों को समझाए बुझाए कि नहीं भाई आप ऐसा ना करें, यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका पालन करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी समाज के लिए भी।
परंतु ये रित का अर्थ केवल एक सामाजिक नियम है जिसको मनुष्य के वश में है कि उसका उल्लंघन कर दे। रित का वास्तविक जो वैदिक अर्थ है, वेद में रित उसको कहा गया है जो प्रकृति संचालन के नियम है जिनका उल्लंघन कभी भी संभव नहीं है। कह सकते हैं कि ईश्वर भी उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके जो मूलभूत अवधारणा है वो यही है कि ईश्वर भी उनका उल्लंघन सामान्यता तो नहीं ही करता है। शेष वो सर्वसमर्थ है, तभी विशेष कुछ करना चाहे तो हमारी क्या सामर्थ्य है कि उसके लिए कुछ कहें। लेकिन ये मानकर चलिए कि उन नियमों का उल्लंघन कभी नहीं होता, संभवता परमेश्वर भी नहीं करता, ऐसा ऋषियों का मानना है। ऋतम बृहत, बृहत का अर्थ बड़ा हम सब जानते हैं, जो बृहत है, बड़ा है, वृद्धि करने वाला है, समाज की अभिवृद्धि में सहयोगी है, वो वृद्ध हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हमें यजन करना चाहिए। अग्नि ये संबोधन कारक है, अग्नि अर्थात हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील। अब वेद में सामान्यता संबोधित तो हम परमेश्वर को ही करते हैं, ये संबोधन कारक में है, एक वचन में है, तो सामान्यता हम यहां अग्नि से परमेश्वर को ही संबोधित करेंगे। इस अग्नि शब्द का भाव हम परमेश्वर से ही ग्रहण करेंगे। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी, प्रगतिशील परमेश्वर, या ये भी सत्य है, हम दूसरे पक्ष को नकार नहीं सकते, हम स्पष्ट कहते हैं परमेश्वर के नाम से जो स्थिति गुण वर्णन करते हैं वो अपेक्षित है कि समाज के लोग हम आप उसको ग्रहण करें जो हम उसके उपासक हैं, मानने वाले हैं। तो अग्नि हम उनको भी कह सकते हैं जो समाज के अग्रणी लोग हैं, हम उनको भी संबोधित कर रहे हैं। एक वचन है तो परमेश्वर तो है ही संबोधन में, परंतु जो समाज का अग्रणी है, जो समाज का मुखिया है, कह सकते हैं जो शासक है, राजा है, सम्राट है, हम उसे भी संबोधित कर रहे हैं। या जिसको भी हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, आचार्य गुरु जी से कहते हैं, उसको भी हम यहाँ अग्नि संबोधित कर सकते हैं, ये उसके लिए भी है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील यक्ष, पूजन करो। पूजन करने का अर्थ सेवा सत्कार करना, सहयोग करना ही होता है। स्वम, देखिए कितनी सुंदर बात कही है, स्वम, स्वम का एक अर्थ तो हुआ अपने को। संसार का भला तो आप तब करोगे ना जब अपना कर पाओगे। मेरे पास अपने लिए निवास भोजन की व्यवस्था नहीं है और हम कहें कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे तो ये कैसे संभव है। तो पहले तो अपनी व्यवस्था कर लें, यदि इस अर्थ में ले तो कह सकते हैं वेद कितनी व्यवहारिक बात आपको बता रहा है कि भैया यदि लोगों की सेवा करनी है, आपको यजन करना है, संगत करना है, दान करना है, तो उस योग्य भी बनना पड़ेगा। हमारे पास वो स्थिति भी तो होनी चाहिए, तब तो हम करेंगे। स्वम अपने को, दमम दम को। अब ये दम क्या हुआ, दम धातु है, दम धातु का अर्थ दमन करना, देखिए से पठ धातु से पठन करना, पठन, दम धातु से दमन, ये दमन शब्द हमारा परिचित है, सहजता से समझ में आ गया। तो दम धातु का अर्थ हुआ दमन करना, इसमें दया करना, शमन करना भी है। दमन करना, शमन करना तो लगभग एक जैसी बात है, दया करना भी इस अर्थ में सम्मिलित है, ये भी कह सकते हैं। तो यहां कह सकते हैं स्वम दमम, अपने को दमन करें, यह अर्थ भी हो सकता है। अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, लालच को, लोभ को दमन करेंगे तभी यजन कर पाएंगे, इसका यह भावार्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। दमम का अर्थ दया करना भी है, दम धातु का अर्थ, तो हम कह सकते हैं दया को, दया की भावना को अपने में धारण करें, यह भाव भी इससे ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने निवेदन किया है,
कि वेद मंत्रों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनंत अर्थ हो सकते हैं। अनंता वै वेदा, वेद कक्षा के प्रारंभ से हम आपको ये मंत्र देते आ रहे हैं। अनंता वै वेदा, वेद में मंत्र संख्या, शब्द संख्या, वर्ण संख्या तो गिनी हुई है, फिर भी कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत है। तो वो अनंत इसी रूप में है कि उसके अनंत अर्थ हो सकते हैं, उसका अर्थ विस्तार भाव विस्तार अनंत है। मंत्र संख्या सीमित है, शब्द संख्या सीमित है, परंतु उसका जो अर्थ विस्तार है वह अनंत है। वेद के शब्दों के, वेद मंत्रों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, वे सभी अर्थ सत्य हो सकते हैं, सभी स्वीकार्य हो सकते हैं। जैसा कि मैं निरंतर विनम्रता से कहता हूं, वे अर्थ हमारे अर्थ से अलग हो सकते हैं, मेरे द्वारा किए गए अर्थ से विपरीत भी हो सकते हैं, फिर भी वो मेरे लिए उतने ही आदरणीय सम्मान नहीं होंगे। बस एक ही बात है कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं। आप ये देख लें कि वो शब्द किस धातु से बन रहा है और उस धातु का क्या अर्थ है, उसके अनुसार यदि उसका अर्थ करते हैं तो जितने भी अर्थ इस प्रकार से किए जाएंगे वेद के, वे सभी अर्थ सत्य हैं। कभी ये प्रयास न करें कि यही वाला अर्थ ठीक है बाकी सब असत्य है, इस संकीर्णता में कभी ना पड़े। हमारा जो भी छोटा सा प्रयास है आपके साथ जुड़ने का, मेरे जीवन भर की साधना केवल इतनी सी है कि वेद को इस बाबावाद से बचाया जाए कि बस मेरे गुरु जी का किया हुआ अर्थ ही अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद का महत्व तब है जब करोड़ों लोग वेद को पढ़ें और इस धातु अर्थ के सिद्धांत के अनुसार स्वयं उसके अलग अलग अनेक अनेक अर्थ करें। बहुत से लोग ऐसे हो जाएं जो मुझसे अच्छा अर्थ भाष्य कर दें, मेरे जीवन की साधना तपस्या की सफलता यहाँ पर है। मैं इसे अपनी सफलता नहीं मानता कि मेरे किए हुए अर्थ को सब लोग पढ़ें और कहें बस स्वामी शरण जी का किया हुआ अर्थ सबसे अच्छा है, ये मेरी सफलता नहीं है। मेरे जीवन भर की साधना तब सफल होगी जब वेद के अर्थ करने के इस मूल सिद्धांत को स्वीकार करके कि वेद के अर्थ यौगिक हैं, धातुज हैं, उस धातुज अर्थ को प्रमाण मानते हुए करोड़ों लोग अलग अलग सही अर्थ करेंगे, तभी वेद की सार्थकता होगी, अनंता वै वेदा की उक्ति सार्थक होगी। इसी के साथ आज हम अपने इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आपको जो भी प्रश्न विचार रखने हो रख सकते हैं। ओम। हाँ तो पुलकित पाठ ही कर लो, अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो आएगा तो आ जाएगा, थोड़ा समय लगता है पता नहीं क्यों, ठीक है ना पुलकित, तो ये पाठ कर लो। स्वामी जी, स्वामी जी, ये जो शब्द है रितम, क्या इसका अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, उसमें कुछ एक निश्चित अवधारणा बताई जाती है कि भी ये गति का नियम है, ये टूटेगा नहीं कभी भी, तो क्या इसको रित कह सकते हैं जैसे गणित के नियम इत्यादि को? जी हाँ, ये सभी प्रकृति के नियम है। हमने अनेक बार आपसे कहा होगा इसमें कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, ऊर्जा के नियम, प्रसार के नियम जो भी हैं, तो ये सारे नियम जिनसे प्रकृति संचालित है यही तो रित है, यही रित है और कुछ नहीं, इन सारे नियमों का समुच्चय ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। गुरु जी, यक्षी स्वम दमे का एक लाइन में अर्थ कैसे करेंगे? यक्ष स्वम दमे, हाँ ये आया ना अग्नि के बाद में यक्षी, ने यक्ष तमम, हाँ ये है इसको
अर्थ करना चाहें तो इसका तो कैसे दमा, करें? ठीक है ना? इसमें कहा स्वम अपने दमम दया दमन समन को यक्ष पूजिए, जो अर्थ इसमें मंत्रार्थ में लिखा है, समानता में उसको नहीं देखता हूं। तो अगर वाक्य बनाना हो तो इस तरह बना लीजिए, क्योंकि अब मंत्रार्थ बनाने में, क्योंकि संबोधन था अग्ने, तो वाक्य में सबसे पहले आएगा, तो मंत्रार्थ में तो सबसे पहले अग्ने लिखा है, प्रगतिशील अग्रणी, और ये क्रिया अंत में आती है, तो वही है स्वम दमम यक्षी, अपने दया दमन शमन को पूजिए। तो इसको इसी प्रकार से कह सकते हैं कि अपने अंदर इन भावनाओं का सत्कार कीजिए, इनको बढ़ाइए, इसका भाव यही है। स्वम दमम यक्षी, अन्वय कहते हैं ना इसे, कि क्रिया अंत में आएगी, पहले संबोधन हो गया, फिर कर्ता होगा, उसके बाद कर्म होगा, और अंत में क्रिया होगी। इस क्रम से जब शब्दों को रखते हैं तो इसको अन्वय कहते हैं, और सभी कविताओं का अर्थ करने में ये अन्वय करना पड़ता है, वो केवल वेद में, संस्कृत में नहीं है, वो किसी भी भाषा में करना ही होता है। ओम, मुझे लगता है मेरी बात हो गई होगी, बताओ। ओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द है यक्षी और यज, ये दोनों शब्द एक ही हैं या अलग-अलग हैं जो इनका इस्तेमाल हो रहा है पूजने के लिए, सत्कार करने के लिए? दोनों शब्द अलग हैं, दोनों की धातुएं अलग हैं। यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगति दान, इसमें तीन बातें। यक्ष धातु का एक ही अर्थ है पूजन करना, पूजा करना, सत्कार करना। पूजा का अर्थ इसमें समझ लें, पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना, और उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, भोजन वस्त्र आदि, उसे जो कुछ चाहिए वो उसको प्रदान किया जाए, इसी को पूजा करना कहते हैं। इसी अर्थ में आया है यत्र नार्यास्तु पूजन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, कि उसका यही अर्थ है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें आप पूरी करें। जो षोडशोपचार पूजन करते हैं, मूर्ति को प्रतीक मानकर जरा देखें, तो उसमें भी क्या कहते हैं, आसनम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, मतलब कोई अतिथि आपके घर आया है तो आप उसे जल देंगे, आसन देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, उसकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, इसी को पूजन कहते हैं। तो एक प्रतीक रूप में किसी पुरुष के चित्र या मूर्ति रख करके ये आपसे अभ्यास कराया गया कि भाई आप जिसे बच्चों को प्रतिदिन ये सब कराते हैं अभ्यास, उसको लगे घर में कोई अतिथि आएगा तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो एक प्रकार के से कहें, यदि अभ्यास के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी तो इसमें कोई हानि नहीं थी, पुरुष सूक्त से ही ये षोडशोपचार पूजन होता है, तो ये मान लिया गया कोई अतिथि आएगा तो ऐसे ऐसे आपको पूजन करना है। तो वास्तव में पूजा का यही अर्थ हुआ। तो यक्ष में केवल पूजा का भाव है कि किसी का सेवा सत्कार करना, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति करना, और यज धातु में देव पूजा संगति का भाव जुड़ा है। कह सकते हैं यजन का अर्थ व्यापक है और यक्ष अर्थात पूजा उसका एक अंश है। इस प्रकार से दोनों अलग अलग भी हैं और पूजा दोनों में सम्मिलित है, यह भी सत्य है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी और को कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो समय हो गया है, समापन भी कर सकते हैं। किसी का प्रश्न हो कोई तो रख सकते हैं, नहीं तो समापन करें, कोई बात नहीं। किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं समापन कर देता हूँ। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं
ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदिते पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को साधे नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ये आज शनिवार है, कल प्रातः काल 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र में हम लोग मिलते हैं। तो पहले से तैयारी रखें, कुछ प्रश्नों को तैयार रखें, कुछ हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जाता है। कल प्रातः 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक सत्र में पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम।